रहीम सलाम अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे और हमारी दुआ अल्लाह ताला से कि आप लोगों को हमेशा हमेशा खुश रखे। और दोस्तों आज हम बनाएंगे जो रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ शेयर करना। और अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। ये देख सकते हैं हमने दाल ली है, तकरीबन 1 किलो है। इसको पहले हमने उबाल लिया, उसके बाद इसको ग्राइंड करेंगे अच्छी तरह। और उसके बाद 2 दर्जन 24 अंडा लिया है, उसके बाद टमाटर है ये भी ग्राइंड कर लिया, प्याज 3 अदद लिया ये भी ग्राइंड कर लिया, और 4 अदद टमाटर लिया था, ना ज़्यादा बड़ा था ना छोटा, उसको भी ग्राइंड कर लिया। और हरी मिर्च लिया है तकरीबन 3 से 4, उसको भी हमने ग्राइंड कर लिया। तो चलते हैं अभी बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख सकते हैं आग हमने जला लिया और देग के ऊपर रख देंगे अभी। देखिए माशाल्लाह दाल हमने ग्राइंड कर लिया बिल्कुल अच्छी तरह, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल गर्म हो गया हमारा, अभी प्याज डाल देंगे जो ग्राइंड करके हमने रखा है पहले, ये देख सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह देसी चूजे भी हमारे। अच्छा लकड़ियां दे पापा ने। ये देख सकते हैं माशाल्लाह प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, अभी डाल देंगे टमाटर भी जो ग्राइंड करके रखे। देख सकते हैं हरी मिर्च भी जो ग्राइंड करके रखी है हमने, ये भी डाल देंगे। मिर्च बहुत ही कम थी, हम डालते हैं क्योंकि ज़्यादा मिर्च नहीं इस्तेमाल करते, आप लोग घर से जरूरत डाल सकते हैं। 1 चम्मच नमक ली है और 1 चम्मच से कम थी हल्दी है, और मिर्ची पाउडर है ये 1.5 चम्मच है, ये भी डाल देंगे। माशाल्लाह मसाला हमारा तैयार हो गया बहुत ही अच्छा, और अभी दाल जो ग्राइंड करके रखी थी ये भी डाल देंगे। Yeah.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं दाल हमारी तैयार हो गई, अभी अंडा भी डाल देंगे। ये देख सकते हैं फोड़ के हमने इसको अच्छी तरह फेंट ली है। ये देख सकते हैं चमचा चलाते रहना क्योंकि नीचे पकड़े ना, आग बिल्कुल हल्की रखनी जब आंडा डाल लेंगे। और दाल हमारी रेसिपी तैयार है बिल्कुल, और अभी चटनी बनाएंगे साथ दही की और हरे धनिए की। ये देख सकते हैं ब्लैक मिर्च पाउडर डालेंगे ऊपर थोड़ा। ये देख सकते हैं कुछ दोस्त और भाई हमारे बैठे हैं, चेक करेंगे हमारी रेसिपी कि कैसी बनी है। हाँ भाई थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ शेयर करना। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से फिर नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफज़।